मॉर्निंग एवरीवन, आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th मैथ्स एनआईयूस का चैप्टर नंबर 30 इंटीग्रेशन, और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 30.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्यूएट। आपको इंटीग्रेशन करना है इनका। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था इस एक्सरसाइज का, जब हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल किया था। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में हमने उस पैटर्न को पहचान कर सीधा फॉर्मूला पुट करके इंटीग्रेशन किया था। यहाँ पर भी हम वही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया था। तो उसके लिए हम ये जो पावर है इसको कुछ अज्यूम कर लेंगे, और एक बार सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसे लास्ट में कंक्लूड करते हुए फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फाइनल आंसर निकाल लेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले 2x+1 को हम अज्यूम कर लेंगे टी। उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2, ये 0, और इधर हो जाएगा dt/dx, ये x के रिस्पेक्ट में होगा। अब हमें dx की वैल्यू भी चाहिए, तो dx को इधर लेके आएंगे और dt/2, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को दोनों को यहाँ रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा e^2x+1 की जगह पे आ गया t, और dx की जगह पे रखना है हमने dt/2। 1/2 को हम बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर यह आ जाएगा e^t dt। 1/2 e^t का इंटीग्रेशन यानी e^x का होता है e^x ही, और प्लस c, फिर से रिप्लेस कर देंगे इसको, और 1/2 और e^t की वैल्यू वापस से रख दीजिए 2x+1 एंड प्लस c। ओके, अब b पार्ट देखिए, फिर से इसको अज्यूम कर लेंगे हम लोग 3-8x = t। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा -8 = dt/dx, dx = -dt/8। रिप्लेस कीजिए, ये हो जाएगा e^t (dt/8) माइनस के साथ, ये माइनस 1/8 बाहर उठा लीजिए, ये हो जाएगा e^t (dt). फिर से e^t का इंटीग्रेशन e^t ही रहेगा और प्लस में c, वापस से रिप्लेस कर दीजिए e^t की जगह पे हमने रखा था 3-8x + c। ओके, करते c पार्ट। अब देखिए इसके लिए सबसे पहले 7+4x को हमने अज्यूम कर लिया t, यहाँ पर ये हो जाएगा 4 = dt/dx, dx को इधर लेके आइए dt/4। ओके, रिप्लेस कर दीजिए। अब उससे पहले एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, e^t (dt/4), 1/4, और इस e^t को ऊपर लेके आइए, ये माइनस टी हो जाएगा dt। अब e^-t का इंटीग्रेशन होता है -e^-t, ठीक है। e^x का तो e^x होता है, e^-x का -e^-x हो जाता है। ओके, और प्लस में c, एक बार और रिप्लेस करेंगे, माइनस को बाहर उठा लीजिए, e^-, और t की जगह पे 7+4x प्लस c, -1/4। अब इसको आप डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे तो ये पावर प्लस में हो जाएगी, 7+4x एंड प्लस c। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। पहले कॉस स्क्वायर थीटा को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कॉस 2θ के लिए, ये होता है 2cos²θ-1। तो मुझे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये वाला वैल्यू इसको सेपरेट करेंगे यहाँ पर, बाकी सबको इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा cos²θ-1 का हो जाएगा +1, और होल अपॉन में आ जाएगा 2, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, ठीक है। मतलब ये 2 यहाँ पे रहा होगा, फिर इसको यहाँ डिनोमिनेटर में लेके आ गए। ओके, तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है यहाँ पर जो मौजूद है, इसको रिप्लेस कर दीजिए इस वैल्यू से, तो ये हो जाएगा cos²(2x+1)/2, और ये dx। अब इस 1/2 को बाहर निकालिए, और यहाँ पर रह जाता है हमारे पास cos
2x प्लस 1 एंड dx। अब सेपरेट इंटीग्रेट कर दीजिए इनको, ये cos 2x dx और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 dx। ओके, अब 1 अपॉन 2 को यहीं पे रहने दीजिए, cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x और अपॉन में चला जाएगा 2 और प्लस 1 का हो जाता है x और प्लस में आ जाएगा c। ओके, ये हो गया इसका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं। साइन क्यूब एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन एक्स एंड कॉस एक्स का होल क्यूब कर लेते हैं इसको, और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये सब कुछ इस ब्रैकेट के अंदर चल रहा है। ठीक है, और 2 से ही डिवाइड भी कर लेते हैं, बैलेंस करना है उसको। तो देखिए अब ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, आपको याद होगा साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको हम लिख देंगे साइन 2x और होल अपॉन में 2 का क्यूब करेंगे तो वो 8 हो जाएगा और dx। ओके, अच्छा इसका भी क्यूब था ये, अब इस 1 अपॉन 8 को तो बाहर निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन 2x का होल क्यूब इंटू dx। अब इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, सिंप्लीफिकेशन चल रहा है अभी तक। अब देखिए 1 अपॉन 8 और साइन 2x को फॉर्मूला होता है इसका साइन 2 थीटा। अब ये जो है क्यूब, इसको हम यहाँ पर लेके आ सकते हैं साइन क्यूब ऐसे। तो आपको पता है साइन 3 थीटा के लिए अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो वो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। हमें यहाँ पर साइन क्यूब थीटा चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर आपको याद होगा स्क्वायर के लिए वैल्यू निकाला था, स्क्वायर को अकेला किया था, तो हमें क्यूब थीटा चाहिए, क्यों इस 2x को हम केवल एक थीटा मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो इस साइन क्यूब थीटा को सेपरेट करेंगे, ये सब इधर जाएगा या इसको इधर लेके आइए, तो ये जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा यहीं पे रहेगा और माइनस का साइन 3 थीटा इधर चला जाएगा। अब इस 4 को भी इधर लेके जाइए तो ये चला जाएगा साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा और होल अपॉन में 4। ओके, अब आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये साइन जो हमने फॉर्मूला बनाया था वो 3 थीटा के लिए था, यहाँ पर थीटा की जगह पे 2 थीटा है, तो यहाँ पर जिस जगह पे x रखा हुआ है उन सब जगह पे आप 2x कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 साइन 2x और माइनस का साइन 3 इंटू 2x और होल अपॉन में चला जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 3 साइन 2x एंड माइनस का साइन 3 टू जा 6x और होल अपॉन में 4। अब मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा, और साइन क्यूब 2 थीटा को हम लिख रहे हैं 3 साइन 2x माइनस का साइन 6x और होल अपॉन में 4। इस 4 को इधर लेके आइए तो 8 4 जा 32 और ये हो जाएगा 3 साइन 2x एंड माइनस का साइन 6x dx। ठीक है, अब 1 अपॉन 32 और इसे सेपरेट इंटीग्रेट कर दीजिए, अब ये हो जाएगा 3 साइन 2x dx माइनस का साइन 6x dx। ओके, ये हो जाएगा 1 अपॉन 32 और 3 साइन, ये इसको इंटीग्रेट करेंगे 3 को बाहर रहने देते हैं, तो साइन 2x का हो जाएगा कॉस 2x माइनस का कॉस 2x और 2x के अपॉन में 2 माइनस साइन 6x का हो जाएगा माइनस का कॉस 6x और अपॉन में 6 और प्लस c। ये ओके, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 32 और ये हो जाएगा माइनस का 3 कॉस 2x अपॉन में 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉस 6x अपॉन में 6 और प्लस c। अब चाहे तो आप इसको पहले रख दीजिए यहाँ पे, इसको बाद में रख दीजिए, या यही हमारा फाइनल आंसर भी हो सकता है। ओके,
तो बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट देखते हैं इसका। सी पार्ट देखिए, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो इसे अगर हम ए माने और इसको बी माने, तो ये साइन ए कॉस बी बन रहा है। तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी, चाहे 1/2 भी रख देते हैं यहाँ पे, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी ए की जगह पे 4x एंड प्लस 3x, और प्लस साइन ए माइनस बी 4x माइनस 3x एंड dx, ओके। तो इसके बाद ये हो जाएगा, 1/2 को अगर हम बाहर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा साइन 4x प्लस 3x होता है 7x एंड प्लस साइन 4x माइनस 3x हो जाता है x और dx। अब इसको सेपरेट इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन 7x और dx एंड प्लस साइन x dx, ओके। 1/2 ये हो जाएगा साइन 7x का, हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस 7x माइनस का और अपॉन में 7, और साइन का वापस से हो जाएगा माइनस का कॉस x, एंड इसको फिलहाल यहीं रख दीजिए, प्लस c। अब इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं या आप माइनस कॉमन ले लीजिए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट, ओके। अब डी पार्ट देखिए, जैसे सी पार्ट में फॉर्मूला बन रहा था सिंप्लीफिकेशन के लिए, वैसे यहाँ पर भी बन रहा है, ये कॉस ए एंड कॉस बी बन रहा है। तो वो होता है 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1/2 कॉस 4x प्लस 2x एंड प्लस कॉस 4x माइनस का 2x एंड dx, ओके। अभी हो जाएगा 1/2 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस 6x और प्लस कॉस 2x प्लस dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस 6x dx और प्लस कॉस 2x dx एंड प्लस, तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस 6x का हो जाएगा साइन 6x अपॉन में 6 और प्लस साइन 2x अपॉन में 2, और ये हो जाएगा प्लस c, ओके। तो ये हो गया सी डी पार्ट भी कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।